हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बीस्ट में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको सीरीज टेस्टिंग लैंप से किसी भी छत वाले पंखे को रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन कैसे चेक करें, कैसे जाने बिना पंखा खोले, इसके बारे में बताऊंगा। तो मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल में अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, इसके पहले मैं कॉमन चेक करने के लिए तरीका बता चुका हूँ, लेकिन वो मल्टीमीटर से बताया हूँ कि मल्टीमीटर से कैसे चेक किया जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि आप सीरीज टेस्टिंग लैंप से कैसे चेक किया जाएगा, इसका वीडियो दीजिए। तो मैं ये वीडियो आपके पास आज पहुंचा रहा हूं, इसको ध्यान दीजिए और समझिए कि कैसे हम सीरीज टेस्टिंग लैंप से इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी पंखों में, सेलिंग पंखों से तीन वायर निकले रहते हैं या किसी किसी में चार वायर निकले रहते हैं। तो जिसमें चार वायर निकले रहते हैं तो उसमें तो कॉमन अपने हाथ से बनाना पड़ता है, लेकिन जिसमें तीन वायर निकले रहते हैं वो कॉमन अंदर से बन के आती है। तो वही कॉमन हमको जल्दी समझ में नहीं आती है कि कॉमन कौन है और रनिंग कौन है और स्टार्टिंग कौन है। तो दोस्तों, इसके लिए अगर सीरीज टेस्टिंग लैंप से आपको करना है तो सबसे पहले तीन वायर जो भी निकली हुई हो, जो भी कलर का हो, कलर से कोई मतलब नहीं है। ये जैसे आपके सामने तीन वायर निकली हुई है, हर एक दो तार में बारी बारी चेक कीजिए। जैसे लाल और काला में एक बार टेस्टिंग लैंप से चेक कीजिए ऐसे, और फिर लाल और सफ़ेद में एक बार चेक कीजिए टेस्टिंग लैंप, और फिर सफ़ेद और काला में एक बार। तीन बार चेक करने से सभी तार एक दूसरे से टेस्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, चेक करते समय किसी भी दो तार में टेस्टिंग लैंप अगर कम ग्लो करती है, सबसे कम ग्लो करती है, जो दिख रहे हैं तीनों वायर, इसको टेस्ट करने में टेस्टिंग लैंप का बल्ब अलग अलग ग्लो करेगी। किसी में धीमी जलेगी, किसी में मीडियम जलेगी, किसी में उससे भी तेज जलेगी। तो जिस दो वायर में सबसे कम जलेगी वो दोनों वायर रनिंग स्टार्टिंग होगा दोस्तों, और तीसरा वायर कॉमन होगा, यही पहचान है। और ये टेस्टिंग लैंप से आपको टेस्ट करके मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें कॉमन कौन है और रनिंग कौन है, स्टार्टिंग कौन है। तो दोस्तों, ये टेस्टिंग लैंप में लीड में लगा लिया अपना, ये टेस्टिंग लैंप बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं लाल और काला को चेक कर रहा हूँ। देखिए, टेस्टिंग लैंप का बल्ब हल्की ग्लो कर रही है, बिल्कुल हल्की, आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल हल्की ग्लो कर रही है बिल्कुल। और फिर मैं लाल और सफ़ेद चेक कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा तेज ग्लो कर रही है। अब बच गया सफ़ेद और काला, अब सफ़ेद काला मैं चेक कर रहा हूँ, इसमें भी थोड़ा तेज ग्लो कर रही है, लेकिन सबसे कम ग्लो कर रही है लाल और काले में। देखिए दोस्तों, तो जिसमें सबसे कम ग्लो करेगी वो कॉमन हो ही नहीं सकता। तो लाल और काला दोनों रनिंग और स्टार्टिंग है, और बच गया ये वाइट कलर का, तो वाइट कलर का ही दोस्तों कॉमन होगा। एक बार और समझा दे रहा हूँ, जिसमें सबसे कम ग्लो करेगी वो कॉमन नहीं होगा। अभी बच गया तीसरा, तीसरा कॉमन होगा। कॉमन अब समझ में आ गया कि व्हाइट वाला तार है। अब कॉमन के साथ हम रनिंग जानेंगे कि रनिंग कौन है और स्टार्टिंग कौन है दोस्तों। तो कॉमन के साथ है दोनों को चेक करेंगे, लाल और काला को। तो जिसमें तेज ग्लो करेगी, जिसमें बल्ब तेज जलेगी वो रनिंग होगा, और जिसमें थोड़ी सी कम जलेगी वो स्टार्टिंग होगा। तो आइए टेस्ट करते हैं सफ़ेद के साथ काला। बल्ब के ऊपर ध्यान दीजिए, बल्ब जल रही है। अब किसमें तेज जल रही है वो जानना है, और लाल में सफ़ेद के साथ लाल में। देखिए दोस्तों, सफ़ेद के साथ लाल में कुछ हल्की जल रही है और काले में तेज जल रही है। इसका मतलब हुआ कि काला वाला रनिंग है और ये लाल वाला स्टार्टिंग है, सफ़ेद तार कॉमन है। तो दोस्तों, आइए अब बताऊं, मैं आपको समझा रहा हूं क्यों, मतलब इसमें कम जलती है, ये लाल और काले में क्यों बल्ब कम जल रही है। इस दोनों में कोई कॉमन वायर नहीं है, लेकिन बल्ब काफ़ी कम क्यों जलती है। तो आइए, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम बना दिया हूं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, इसको आप कुछ भी ना मानिएगा दोस्तों, ये ऐसा ही है। डायग्राम मेरा ये है जो नीचे है, इसमें रनिंग और स्टार्टिंग है, लाल वाले से स्टार्टिंग है और काले वाले से रनिंग है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये तो एक रनिंग और एक स्टार्टिंग मिलाकर कॉमन बन जाता है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो कॉमन के साथ आप चेक करेंगे स्टार्टिंग को, तो इसका रेजिस्टेंस बताएगा, तो बल्ब थोड़ा तेज जलेगी। और फिर कॉमन के साथ रनिंग को चेक करेंगे तो ये रनिंग कॉइल का रेजिस्टेंस बताएगा सिर्फ इतना का, तो बल्ब उससे भी तेज जलेगी, क्योंकि स्टार्टिंग के साथ जब बल्ब जलेगी, स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है और रनिंग में रेजिस्टेंस कम रहता है। तो जिसमें रेजिस्टेंस कम रहेगा उसके साथ बल्ब ज़्यादा जलेगी, तेज जलेगी, और जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा उसके साथ बल्ब कम जलेगी। और यहाँ दोनों वायर में चेक करने, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों एक साथ चेक करने में दोस्तों, इस दोनों कॉयल का रेजिस्टेंस मिलेगा तो बल्ब बहुत ही स्लो जलेगी। इसीलिए इस दोनों में जब बल्ब स्लो जलेगी तो जाहिर सी बात है
कि ये कॉमन होगा। इसीलिए इसमें काला और लाल में ये रनिंग और स्टार्टिंग है, काला और लाल में बल्ब कम जल रही थी तो जाहिर सी बात है कि वाइट वाला कॉमन होगा। तो दोस्तों मैं इसका कनेक्शन कैपेसिटर के साथ कर दिया हूँ, सफ़ेद वाला कॉमन था तो मैं कॉमन दे दिया हूँ सप्लाई का। देखिए ये दोनों सप्लाई का वायर है तो कॉमन में मैं एक वायर मेन सप्लाई का दे दिया हूँ और रनिंग में मैं एक वायर मेन सप्लाई का दे दिया हूँ और रनिंग से ही होकर कैपेसिटर को सीरीज में लगाकर स्टार्टिंग को दे दिया जाता है। अगर ये कनेक्शन आपको विस्तारपूर्वक देखना है दोस्तों तो मैं इसका वीडियो पहले बना चुका हूँ, ऊपर आई लिंक दबाकर आप देख सकते हैं। तो आइए मैं इस कनेक्शन के थ्रू इस पंखे को चलाकर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इस पंखे को टेस्ट करने के लिए थोड़ा सावधानियाँ करनी पड़ती है कि यहाँ पे कई तार खुले हुए हैं तो थोड़ा सावधानी से इस फैन को चलाना पड़ता है। दोस्तों मैं इसको उठा लिया हूँ पंखे को और मैं इसमें सप्लाई दे रहा हूँ। देखिए मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से फैन चल रही है, बिल्कुल सही चल रही है। अब इस तरीके से आप रनिंग और कॉमन पहचान सकते हैं अपने आप और अपने पंखे को आप बढ़िया से चला सकते हैं। तो दोस्तों कॉमन कैसे पहचाने और रनिंग कैसे पहचाने, स्टार्टिंग कैसे पहचाने, आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा होगा वीडियो आपको तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल में अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसा वीडियो रोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।